अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग ठीक होंगे। और हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ रहे हैं। सेकंड ईयर केमिस्ट्री में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 जो था उसका लास्ट टॉपिक के यूजेस ऑफ लेड इन पेंट्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और चैप्टर की तकरीबन तमाम तर्क शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ मैंने आप लोगों को बताए कि कौन कौन से टॉपिक से कौन सा कैसे क्वेश्चन बनता है। आप लोग तमाम वीडियोस को देखें, आप लोगों को एक्सरसाइज के अलावा भी तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस वहां से बहुत सारे मिल जाएंगे जो जो कि पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होंगे। आप लोग चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के तमाम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं बड़ी ही तफसील के साथ। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू सो मच। और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि साथ नई आने वाली हर एक वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सब तक सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक हो गया जी, चलें हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज़ अ केमिकल गार्डन। ये केमिकल गार्डन क्या है? तो ये टॉपिक के अंदर भी मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ ये बात बताई हुई है, समझाई हुई है कि अ केमिकल गार्डन इज़ एन एक्सपेरिमेंट इन केमिस्ट्री यूजली परफॉर्म बाय एडिंग द मेटल सॉल्ट सच एज द कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट क्लोराइड इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट। सो जब आप सोडियम सिलिकेट लेते हैं उसके एक्वस सोल्यूशन में आप सॉल्ट ऐड करते हैं, दीज कैन बी कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट क्लोराइड। तो वहाँ पे आपको उसके अंदर प्लांट लाइक ग्रोथ होती हुई नज़र आती है जिसको आपको नाम देते हैं केमिकल गार्डन का। इसकी पिक्चर आपको लेक्चर के अंदर मिलेगी, जो लेक्चर सोडियम सिलिकेट के टॉपिक का लेक्चर है उसके अंदर। ठीक हो गया, चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखें, कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, दीज आर ऑल ग्रुप 4 एलिमेंट्स। लेकिन हमने एक बात बड़ी ही तफसील के साथ चैप्टर के अंदर भी डिस्कस की और यहाँ भी हम करने वाले हैं कि दोनों का रिएक्शन कार्बन और सिलिकॉन चूँकि कंजक्टिव एलिमेंट्स हैं एक ही ग्रुप के अंदर, तो इनके दोनों के जब ऑक्साइड्स बनते हैं तो एक का ऑक्साइड गैशियस स्टेट में बनता है और दूसरे का ऑक्साइड बनता है जी सॉलिड स्टेट में। तो इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न हमने ये पढ़ी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीनियर फॉर्म में बॉन्ड्स बनाते हैं, यानी कि वहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन का ऑक्सीजन के दोनों तरफ बनता है। सो वहाँ पर CO2 दो ऑक्सीजन है, दोनों दरमियान में कार्बन है, दोनों साइड पर ऑक्सीजन है, लीनियर बॉन्ड बनाते हैं और लीनियर बॉन्ड्स में बॉन्ड सिंगुलर चलते हैं। बोल रहे हैं कि द रीज़न वाई द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ अ सॉलिड, इट इज़ बिकॉज दिस केमिकल स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर एंड टू डबल बॉन्ड्स बिटवीन दैम। बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड को देखें तो वो ह्यूज स्ट्रक्चरल मालिक्यूल बनाते हैं, स्ट्रक्चर उनका बड़ा होता है, इस वजह से वो बनते हैं जिस सॉलिड फॉर्म में। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। व्हाई सिलिकॉन्स आर प्रेफर्ड ऑन ऑर्डिनरी लुब्रिकेंट्स। जब हमने सिलिकॉन्स की बात की थी तो हमने बोला था कि ये टेम्परेचर या हीट रिपेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, यानी हीट या टेम्परेचर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बट अगर हम आम लुब्रिकेंट्स या पेट्रोल वगैरह को देखें, ठीक है, ऑर्गेनिक जो होते हैं वो तमाम जो हैं वो जल्दी एवोपरेट होने की प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी जल्दी एवोपरेट वो हो सकते हैं। हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करें ना जो कि हम टेम्परेचर ड्रॉप या राइज या ड्रॉप होने की वजह से ख़त्म ना हो, वेपराइज ना हो, इसलिए हम सिलिकॉन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन बोरिक एसिड इज हीटेड स्ट्रांगली। बोरिक एसिड हीटेड स्ट्रांगली जब हीट किया जाता है तो वो क्या करता है कि अपनी बाकी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, बाइकिंग इन दी वाटर मॉलिक्यूल। ठीक हो गया जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है, आंसर भी मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। केमिकल इक्वेशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन्स, ठीक है जी। ये हमने सिलिकॉन्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ी हुई है बात कि आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, HCl बनता जाता है और ये सिलिकॉन जो हैं ये वाले, ये सिलिकॉन दूसरे कार्बन और ऑक्सीजन के सिलिकॉन के साथ जुड़ते जाते हैं, आपका बॉन्ड बन जाता है,
नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है शोइंग द सिलिकॉन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिक आपके व्हाट राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर शोइंग द सिलिकॉन डाइऑक्साइड कोवलेंट नेटवर्क। कोवलेंट नेटवर्क के लिए हमने स्ट्रक्चरल फार्मूले को पहले भी पढ़ाए हुए हैं, यहाँ पे भी आप स्ट्रक्चरल फार्मूले इनके देख सकते हैं। इसके बाद डिफरेंट नेम्स ऑफ बोरिक एसिड्स, तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, हमने पढ़ लिया कि हाइड्रोजन बोरेट होता है, बोरिक एसिड होता है अर्थ बोरिक एसिड होता है, और लीवस बोरान होते हैं जी, मोनोबेसिक्स होते हैं। टू यूजेज ऑफ द सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स की यूजेज हमने बहुत सारे चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, बट यहाँ भी हम देख लेते हैं। यूज इन द सीलेंट्स, एडेसिव लुब्रिकेंट्स, मेडिसन, कुकिंग यूटेंसिल, थर्मल एंड द इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। सम कॉमन फॉर्म्स इंक्लूड द सिलिकॉन ऑयल्स, सिलिकॉन ग्रीस, सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन रेजन, सिलिकॉन चॉक। एल्युमिनियम इज नॉट, वाई एल्युमिनियम इज नॉट फाउंड इन फ्री एलिमेंट, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से एल्युमिनियम जो है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, ठीक है जी। इट इज़ रेयरली फाउंड इन अर्थ इन द फ्री फॉर्म, ठीक है जी। वैसे तो कंपाउंड के फॉर्म में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मिनरल फॉर्म में, बट फ्री फॉर्म में बहुत कम पाया जाता है। एल्युमिनियम एक्ट एज अ एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट इट मैग्नेटिक, बट इट इज़ नॉन मैग्नेटिक वेन इट इज एक्सपोज टू द एयर, थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल। यूजेज ऑफ सोडियम सिलिकेट, ये सोडियम सिलिकेट कहाँ पर यूज़ किया जाता है जी, यूज एज अ डी लिक्विफिकेंट इन कोस्टिंग द स्लिप, हेल्पिंग द रिड्यूस विस्कोसिटी एंड नीड फॉर लार्ज अमाउंट्स ऑफ द वाटर, इज लिक्विडाइज द क्ले बॉडी। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ क्रैकल इफेक्ट ऑन पोट्री, यूजली व्हील थ्रोन वेस एंड अ बॉटल इज थ्रोन ऑन द व्हील फेयरली नैरो एंड विद द थिक वॉल्स। सिलिकेट्स क्या हैं और इनकी एग्जांपल्स बताएं जी। सिलिकेट्स क्या हैं जी, ज़मीन में पत्थर की शक पत्थरों की शक्ल में पाए जाने वाले सिलिकॉन को सिलिकेट्स बोलते हैं। मिनरल्स आर द मोस्ट कॉमन अर्थ मिनरल एंड इंक्लूड द क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, एम्फीबोल, पायरोक्सीन एंड एलुविना, सिलिकॉन टेट्राहेड्रा मेड अप ऑफ द सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स द चेन शीट्स एंड द फ्रेमवर्क एंड बॉन्ड एंड द कैटाइंस टू फॉर्म द सिलिकॉन मिनरल। What is the action of aqueous solution of the borax on litmus? क्योंकि जो है ये जो है बोरेक्स, ठीक है, Na2B4O7, ये है जी, इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, सो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है और जब इसके अंदर लिटमस पेपर को डिप किया जाए। रिएक्शन ऑफ द सो एल्यूमिनियम विद द ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है आपके पास, Al2O3 बनता है जी, विच इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द एल्यूमिनियम सरफेस जो कि इसको मजीद क्रोयन होने से बचाती है। वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर क्यों होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड इसके अंदर दोनों तरफ मौजूद होता है। सो इसने बोला है कि बिकॉज इट हैज़ द लीनियर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विद द टू ऑक्सीजन एटम्स ऑफ द इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी फ्रॉम द, यानी 180 के एंगल के ऊपर ही डायरेक्शन होती है एंगल्स की, तो एंगल्स एक दूसरे को पुल करते हैं, नॉन पोलर नेचर है। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि जब वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है इस वजह से। सो स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, होपफुली आप लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा और चैप्टर आप लोगों को समझ आया होगा जो कि मेरा मकसद है, ठीक हो गया जी। और आप लोग अपने तमाम क्वेश्चंस मेरे साथ कमेंट्स में लाजमी शेयर किया कीजिए और मुझे बताया करें कि आपको कौन सी चीज़ समझनी आई ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को मज़ीद इम्प्रूव करूँ, ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सो उम्मीद है आप लोग मेरे साथ देंगे, एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।